आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12th बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाए जाए। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोई कहता है कि मेरे पास टीचर नहीं है, मेरे पास हमारे स्कूल में ही टीचर नहीं है फिजिक्स के, कोई कहता है कि हमारे पास आसपास ट्यूशन नहीं है, कोई कहता है कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, कोई कहता है कि मुझे फिजिक्स की थ्योरी तो समझ में आ रही है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे। तो इन सब प्रॉब्लम के होते हुए भी कैसे मैं 100 से 100 लेके आऊँ, इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी आपको ये बताऊंगा, और वीडियो के एंड में आपको मिलाऊंगा मैं एक टॉपर से जिसने 100 आउट ऑफ 100 लेके आया। तो काफ़ी मदद करने वाली है आपको ये वीडियो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके पास टाइम कितना है, कितना टाइम था, कितना टाइम एक 12th के स्टूडेंट को मिलता है एक सब्जेक्ट को तैयार करने में। तो जनरली आपका सेशन अप्रैल से शुरू होता है और फेब मतलब मार्च 1 जो अगले साल का आता है तब तक का टाइम होता है, जिसे पूरे 11th मंथ होते हैं, ये 11 महीने होते हैं। तो मैं ऐसे कैलकुलेशन लेता हूँ कि अगर मैं फिजिक्स को 1.5 घंटा 1.5 आवर पर डे पढ़ूँ तो मेरे पास कितना टाइम है। तो देखिए, मैंने 1.5 आवर 30 डेज होता है मंथ में, मैंने कैलकुलेट किया तो ये आया 45 आवर्स। ये क्या था, 1.5 आवर पर डे, ठीक है, और ये कितने आए पर मंथ। अब मेरे पास कितने मंथ हैं, 11 मंथ। कैलकुलेट करते हैं, 594 अप्रोक्सीमेटली ये आए 495 आवर्स। 495 आवर्स मतलब मैं इसे अप्रोक्सीमेटली 500 मान लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन मुझसे हो नहीं पाएगी। अब 500 आवर्स हैं आपके पास और कितना चैप्टर है फिजिक्स में, अप्रोक्सीमेटली 15 चैप्टर। तो 15 चैप्टर हैं 500, 15 30 3 45 अप्रोक्सी, यानी कि आपको पर सब्जेक्ट 33 आवर्स मिल रहे हैं पर चैप्टर, सॉरी, ठीक है, यानी कि आपको 33 आवर्स पर चैप्टर मिल रहे हैं। कभी कैलकुलेट की थी ये कैलकुलेशन? अब सोचिए, अगर आपके बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है आपकी फिजिक्स में कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे टीचर से प्रॉब्लम है, टीचर बदलते जा रहे हैं, स्कूल में कोचिंग में जाता हूँ वहाँ पे भी टीचर अलग अलग आ रहे हैं, कभी कोई पढ़ा देता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब एक बात पर गौर करिए, क्या आपने इतना टाइम, इसका 1/3 भी टाइम भी आपने दिया है फिजिक्स को खुद से? नहीं दिया होगा अगर प्रॉब्लम चल रही है तो, और अगर बहुत अच्छे से मेहनत करो तो शायद दिया हो, यानी कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। मैंने ये 1.5 आवर पर डे लिया है, बहुत बड़ा टाइम नहीं है ये, मैं इसको और कम कर देता हूँ, मैं 1 आवर पर डे कर देता हूँ, तो 1 आवर पर डे करने से 30 आवर्स आते हैं ये, और 330 आवर्स हो जाते हैं पूरे टोटल। 330 आवर्स को जब आप डिवाइड करते हो 15 से तो लगभग 20 आवर्स के आसपास आता है, 20 घंटे पर चैप्टर। तो क्या हमने 20 घंटे पर चैप्टर दे रहे हैं? जैसे आपका 12th का चैप्टर शुरू हुआ इलेक्ट्रोसाइट्स, पहला चैप्टर है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम फोर्स, ये सब, तो क्या आपने उसे 20 आवर्स पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस करी है? शायद आंसर ना होगा। तो इसका मतलब हमारे पास सफिशियंट टाइम है, टाइम निकलता जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, या कुछ प्रॉब्लम है, तो उनका सोल्यूशन क्या करें? तो शुरुआत करता हूं मैं, वन बाय वन आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि क्या कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है और कैसे आप 100 में से 100 निकाल ला सकते हो, हर हालात नेगेटिव हो तो भी। आप सबसे पहले कंसेप्ट बिल्ड करिए, मतलब कंसेप्ट बिल्ड करना है। वो कैसे होगा, सर बढ़िया टीचर होना चाहिए, हाँ अच्छी बात है अगर बढ़िया टीचर हो, नहीं है तो क्या करें, करना तो है ना, तो नहीं है तो आप खुद पढ़िए, ऑनलाइन टीचिंग का यूज करिए, एक से एक बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, आप उस चैप्टर को ऑनलाइन गूगल पे लिखिए, यूट्यूब में जाइए पढ़िए उसको, कुछ भी करिए कंसेप्ट क्लियर करिए। आसपास कोई दीदी भैया कोई भी फैमिली में कोई आसपास हो जो पढ़ा हुआ हो उससे पढ़ लो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना है। क्लियर करते वक्त आपको अपना एक बाउंड्री बनानी है इसके अंदर कि जैसे NCERT है तो NCERT का जो कंटेंट है उस तक फोकस करना है। जैसे बहुत सारे बोर्ड में अलग अलग बुक्स लग रही होंगी तो बोर्ड के कंटेंट से लिंक रखना है अपने आपको। कई बार हम भटक जाते हैं कि बोर्ड से हटके एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर आपका बोर्ड पे 100 पे 100 का फोकस है, आज मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि JEE में, NEET में, एडवांस में, ये सब बातें नहीं चल रही है, आज बोर्ड की बात चल रही है,
तो बोर्ड पर कंसाइज अपना फॉर्मेट रखिए कि बोर्ड का ये सिलेबस है, एनसीईआरटी अगर है तो एनसीईआरटी को फोकस करना है बस, तो जितना पढ़े एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़े। दूसरी, जब आप पढ़ेंगे कंसेप्ट बिल्ड हो गए आपके, तो नोट्स बनाने हैं। कुछ के तो टीचर्स क्लास में नोट्स बनवा देंगे, कुछ को जो टीच सेल्फ स्टडी करते हैं उनको खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर नोट्स खुद बना रहे हैं आप, तो पहले मैं टीचिंग की बात करता हूँ, जो अगर क्लास में नोट्स बना रहे हैं टीचर, तो पूरा सेटिस्फाई मत रहिए उस टीचर से जो कितने बढ़िया टीचर हैं। क्या करना है आपको, जगह छोड़ देनी है। जब आप खुद से रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की, तो बहुत सारे फैक्चुअल बातें मिलेंगी, उनको आपको लिखते जाना है उन नोट्स में। क्लियर है? अगर खुद से नोट्स बना रहे हैं तो जितना आपको डिटेल मिल रही है वो सारी लिखते जाना है। खास बात यहाँ यह रखनी है बोर्ड के लिए कि जैसे कोई डिवाइस आया, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोट्रॉन आया, पोटेंशियोमीटर आया, तो जब उसके बारे में लिख रहे हो तो आपको ये देख के लिखना है कि कंसिडरेशन का आपने प्रॉपर लिखा नहीं लिखा, और उसको एग्जाम में कितने बेटर वे में आप लिख पाओगे, वो सारी बात उसमें लिखनी है। जितना डाटा होगा, फैक्चुअल बातें होती हैं, वो सारी नोट करनी है आपको नोट्स में। ठीक है, नोट्स स्पेशियस बनाइए, और हर चैप्टर के बीच में गैप रखना होता है। जैसे एक चैप्टर लिखा, नोट्स बने, तो उसके बीच में 5-6 पेज छोड़ के तब लिखो, ताकि जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो पूरे चैप्टर में जो आपको याद रखनी है, वहाँ उन पेज पर नोट करते जाओ, फॉर्मूला नोट करते जाओ, रिविजन में मदद मिलेगी। तीसरी बात, प्रैक्टिस। अब सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले आपका फोकस होगा आपकी जो बोर्ड की बुक है, जो भी, चाहे स्टेट बोर्ड है चाहे एनसीईआरटी है। तो अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊं, तो एनसीईआरटी को सबसे पहले फोकस करना, और एनसीईआरटी के पहले सोल्ड एग्जाम्पल करने हैं, फिर एक्सरसाइज, एडिशनल एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती बोर्ड में। ठीक है, एनसीईआरटी करेंगे, फिर एनसीईआरटी के साथ जो उसकी अंदर एक्सरसाइज है वो करेंगे, एडिशनल की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज और एडिशनल की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या करें? तो दूसरे नंबर पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं, मैंने लिंक में भी डाल रखा है, कोई वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, उनको, उनके वेरी शॉर्ट आंसर, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब देखते होंगे स्कूल में जो टेस्ट आता है यूटी वगैरह, तो हाँ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं बढ़िया से, उनका जवाब नहीं मिलता ना, वो एनसीईआरटी में लिखे, अधिकतर वो ऐसी किताबों से होते हैं, तो एग्जाम्पलर के वो क्वेश्चन लेने, क्योंकि बोर्ड उनको यूज करता है। दूसरी बात, आपको ऐसी गलती नहीं करनी कि पूरा सिलेबस पूरा कर ले जैसे टेंथ में करते थे, फिर आगे चल के फिर दोबारा रिवाइज करते थे उसको, मतलब प्रैक्टिस आप साल के एंड में करते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जब भी आप कोई चैप्टर तैयार कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करके छोड़ो। तो एक प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर होते हैं, क्वेश्चन बैंक होते हैं, वो साथ साथ खरीद लो। बहुत सारे पब्लिकेशन, एग्जाम आइडिया, टुगेदर, आर्यन पब्लिकेशन, कहीं से भी कोई पुराना भी रखा हो तो भी चलेगा। और उससे बेटर मैं एक लिंक में डाल रहा हूँ, एक क्वेश्चन बैंक है जो CBSE ने बना रखा है, अल्टीमेट है वो, गवर्नमेंट स्कूल में तो फ्री मिलता है, और आप इसे लिंक ले लो, हर चैप्टर के इतने क्वेश्चन कम से कम कर लो, सफिशिएंट होता है बोर्ड के लिए। तो फिर बताऊं प्रैक्टिस क्या करेंगे, पहले एनसीईआरटी अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पूरे करेंगे, एडिशनल छोड़ देना, और इसके जो हमारा एग्जाम्पलर है इसके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे आप, सब्जेक्टिव वाले, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट, वेरी शॉर्ट आंसर जो सब्जेक्टिव पार्ट के हैं वो करने हैं। दूसरा, सैम्पल पेपर जो होते हैं, क्वेश्चन बैंक होते हैं चैप्टर वाइज, उनको साथ साथ कंप्लीट करते रहना है। क्लियर है? इसमें एक और बात ध्यान देनी कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ दो पार्ट होंगे प्रैक्टिस के अंदर, एक तो वो न्यूमेरिकल या क्वेश्चन जो भी हैं, तो न्यूमेरिकल को ध्यान करते वक्त एक बच्चा वो होता है जो केवल बोर्ड पे फोकस कर रहा है, वो है जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, तो जो बोर्ड पे फोकस कर रहा है उसमें वो तो जनरली अच्छे तरीके से लिखता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, उसको आप जाके देख सकते हैं। दूसरा, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि वो हमेशा आंसर देने पर जल्दी में रहते हैं, फॉर्मूला क्या लिखना है, कैसे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा है, स्टेप क्या होने चाहिए आपके, वो यूज़ नहीं करते, तो एक बड़ी मिस्टेक है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब बोर्ड के अंदर कॉपी में क्या लिखना है ये एक बड़ी बात होती है। मैंने यहाँ एक CBSE टॉपर की जो कॉपी होती है, जो आंसर शीट होती है, उसको मैंने सब्सक्रिप्शन में डाल रखा है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको जाके देखो कि उसने कैसे लिखा है। भाई ढाबे पे दाल बनती है और फाइव स्टार में दाल बनती है, दाल दोनों एक जगह एक जैसी है, लेकिन ढाबे का प्राइस कम है और फाइव स्टार का प्राइस ज़्यादा है, तो रिप्रेजेंट करने का, प्रेजेंट करने का तरीका बेटर है। तो बिल्कुल वही बात होती है लिखने की, कि अगर आपको बोर्ड में मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो आपका लिखने का तरीका बेटर होना चाहिए। क्लियर है? और कहीं भी अब जैसे मैंने ये बात तो थी न्यूमेरिकल के लिए कि न्यूमेरिकल, अब इसमें प्रैक्टिस पार्ट में जो डेरिवेशन होते हैं, डेरिवेशन पे बहुत ध्यान से हर बात का कंसिडरेशन लिखना है आपको। डायग्राम की जरूरत पड़ती है तो डायग्राम प्रॉपर देंगे, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे डायग्राम बनाते हैं, चाउमीन डाल रखी हो कॉपी में, तो मतलब थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम बनाना है। दूसरा, कोई अगर डिवाइस आता है तो उस डिवाइस के बारे में पहले से तैयार रहें कि यार किस क्या बेटर लिखा जाए इसके बारे में,
क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला है ना, वो आप क्या अच्छा लिख रहे हैं इसको बाद में देखा, कोई गलत ना लिख दें आप। तो कोई चीज ऐसी जो आपको नहीं आती वो ना लिखने की कोशिश करें, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दें और पहले से डिसाइड करें कि मैं क्या बेटर से बेटर लिख के आऊंगा इसके बारे में। अगर ये डिवाइस आ गया तो, जैसे ट्रांजिस्टर, साइक्लोट्रॉन, ये सब डिवाइस आते हैं, तो इनके बारे में पहले से तैयार रहें। तो प्रैक्टिस यहाँ से इनके बारे में करनी है। तो दो प्रैक्टिस होती है, डेरिवेशन की और न्यूमेरिकल की, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ये होता है स्कूल टेस्ट। बच्चे जनरली स्कूल टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते, जैसे यूटी हुआ, सीटी क्लास टेस्ट, यूटी ये क्या यूनिट टेस्ट, इनको सीरियसली नहीं लेते, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। इनको बहुत सीरियसली लीजिए, इनके जो क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान से पढ़ो और आंसर दो, और जैसे आपका रिजल्ट आया, फॉर एग्जांपल 10 नंबर का था, आपके कम मार्क्स आ गए, अच्छे मार्क्स आए, जैसे भी आए, उस पेपर को दोबारा उठाओ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो स्कूल के टीचर्स होते हैं उनको एक लंबा एक्सपीरियंस होता है क्वेश्चन पेपर सेट करने का और बोर्ड के पैटर्न को चेक करने का, वो कोचिंग से भी बेटर अडॉप्ट करते हैं मेथड, ध्यान रखना। जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छा पेपर बनाते हैं, तो उस पेपर को ध्यान से पढ़ो और उसके आंसर अगर आपसे नहीं हुआ था पेपर में, बाद में उसको सॉल्व करो बैठ के, टीचर से डिस्कस करो, दोस्तों से डिस्कस करो और उसको समझो कि क्वेश्चन क्या आया था, उनको कलेक्ट करना शुरू कर दो, एक फोल्डर बना लो अलग से, क्लियर है। वही क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं रिपीट मिलेंगे, आपको बोर्ड में मिलेंगे, बहुत बढ़िया पेपर बनाते हैं स्कूल वाले। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, इन चीजों को गौर करिए। यहाँ पे एक जो लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट की एक और खास बात है, भाई मैंने आपको थ्योरी के पेपर के बताया, प्रैक्टिकल का क्या होगा? तो प्रैक्टिकल के जो 30 मार्क्स होते हैं, जनरली हर बोर्ड में 30 मार्क्स हैं, 70 थ्योरी हुई, 30 इसके प्रैक्टिकल के मार्क्स हुए, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स जनरली आपके प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं होते, वो आपके क्लास के परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आप क्लास के टेस्ट को रेगुलरली मेंटेन कर रहे हो और बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो क्लास में, तो आपके 30 आउट ऑफ 30 श्योर हो जाएंगे, तो 30 उधर और 70 इधर, तो 100 आउट बिल्कुल आएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी थी कि बोर्ड में कैसे 100 आउट ऑफ 100 लाए जाए फिजिक्स के पेपर में, जिसे आप पहाड़ जैसा सब्जेक्ट मानते हो, और कि कैसे ही बुरे हालात हों, कि टीचर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप अपने आप को संघर्ष करो, बढ़ो आगे, जो स्ट्रेटेजी आपको बताइए, तो 100 आउट ऑफ 100 आसानी से आ जाते हैं। और अब एक जीनियस से मिलिए, टॉपर से मिलिए, देखिए उसने क्या किया था कि 100 आउट ऑफ 100 आया। और हाँ, तो बच्चों जैसे मैंने बात की थी कि मैं एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिसके 12th में फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं पिछले इस साल में 2019 में, तो मेरे साथ हैं गौरव शर्मा, वो आपको बताएंगे क्या स्ट्रेटेजी थी इनकी पढ़ने की, क्या क्या पढ़ते थे और क्या इनका शेड्यूल था। सर, मैं शुरू के टाइम पे तो अपनी सारे सब्जेक्ट को 6 घंटे देता था, तो उनमें से मतलब कि जो टीचर पढ़ाते थे उसको आके घर पे आके पढ़ लेता था। उसके बाद में मतलब फिजिक्स को कितना टाइम देते थे? फिजिक्स को मैं 6 में से 3 घंटे देता था शुरुआत में, 12th में। हाँ, और जो एक्सरसाइज थी उनको लगा था फिजिक्स में। और जो किताब कौन सी फोकस करते थे? किताब मैं एनसीईआरटी फोकस करता था, एनसीईआरटी का। मैंने ज्यादातर एनसीईआरटी फोकस किया और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैंने पढ़ी, इससे मतलब कि अच्छा। तो एनसीईआरटी के अलावा भी कोई मटेरियल यूज करते थे आप? नहीं, एनसीईआरटी के अलावा कोई मटेरियल यूज नहीं किया मैंने। टीचर के असाइनमेंट यूज करते? हाँ, टीचर के असाइनमेंट। तो उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी सब कुछ कंप्लीट होती थी। हाँ। और एग्जाम के टाइम के आसपास आप, जैसे एग्जाम से 2-3 महीने पहले, क्या स्ट्रेटेजी थी? एग्जाम टाइम पे मैंने मेरा स्टडी टाइम बढ़ा दिया था, मेरे 8-10 घंटे कर दिए थे सर। नहीं, वो तो टोटल टाइम था आपका। फिजिक्स में कितना टाइम? फिजिक्स में मैंने सर 4-5 घंटे देता था फिजिक्स को। 4-5 घंटे पर डे? हाँ। छुट्टी वाले दिन या स्कूल वाले दिन? हाँ, कोई सा भी दिन हो। 4-5 घंटे, वेरी गुड। रात को 2 बजे तक पढ़ाई करता था, 4 बजे आ जाता था वापिस। रात को 2 बजे तक पढ़ाई करता था, 2 बजे तक पढ़ते थे। और एग्जाम टाइम पे तो मैं 2-4 ही सोता था। 2-4 सोते थे बस, 2 घंटे। वेरी गुड। ये तो मोदी से भी आगे चल रहा है भाई, मोदी जी के जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके बारे में बहुत कम सोते हैं, उससे भी आगे है। तो अच्छा स्टूडेंट है। अच्छा, तुम्हें यकीन था कि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे? हाँ सर, इतना तो यकीन था क्योंकि एनसीईआरटी अच्छी तरह ही मैंने क्लियर कर ली थी। और प्री बोर्ड में कितने लाए थे? प्री बोर्ड में मेरे थे शायद 4 कितने का सर, मतलब 70 में से। हाँ, 70 में से सर मेरे थे शायद वो थे 62 थे। क्लास के टॉपर थे आप सर? मम्मी पापा को, फैमिली को कैसा लगा जब तुमने 100 आउट ऑफ 100 लाए फिजिक्स में? हाँ, वो तो सब बोल रहे थे कि मतलब कि और सब्जेक्ट में, मतलब ऐसे और सब्जेक्ट में अगर नंबर आए 100 वो तो मान सकते हैं, फिजिक्स काफी टफ हो सब्जेक्ट हो जाती है, बहुत रेयर है। हाँ, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन देते हैं और चाहते हैं कि भविष्य में बहुत आगे बढ़े।
और अपने माँ बाप का अपने टीचर का नाम रोशन करें। शाबाश। थैंक यू सर। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपर से मिलकर आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया होगा, पॉजिटिव एनर्जी आई होगी। ये भी आप जैसे ही एक स्टूडेंट था, तो बिल्कुल आप भी मेहनत करिए। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप इसमें इनबॉक्स में लिखिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे करिए, हमारा नया चैनल है, इसे सपोर्ट करिए। थैंक यू, गुड लक, मेहनत करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए।